गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनिलिडा। देखेंगे एनिलिडा एनिलिडा फाइलम का मतलब क्या होता है। एनिलिडा जो टर्म लिया गया है दैट इज एनुलस। एनुलस दैट मीन्स होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनका बॉडी जो होता है वो कई सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो फाइलम एनिलिडा के बारे में देखेंगे पॉइंट। एनुलस दैट इज स्मॉल रिंग फॉर्म। तो एनिलिडा यानी इनका बॉडी जो होगा वो कई सारे स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है। हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। दैट मीन्स ये कहाँ पर पाए जाते हैं। मे बी एक्वेटिक हो सकते, ये पानी में पाए जा सकते हैं। दैट इज मराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ एंड टेरेस्ट्रियल। तो ये मराइन एंड टेरेस्ट्रियल बोथ होते हैं, यानी ये जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। मोस्टली फ्री लिविंग बट सम आर पैरासाइट्स दैट इज लीच। तो ज्यादातर जो है आपके फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ पैरासिटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीच। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिएगा, बाहर से ये देखने में कैसे होते हैं। दैट इज बॉडी राउंडेड एंड फ्लैट बोथ टाइप बट मेटामेरिकली सेगमेंटेड दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन। इनका बॉडी जो होता है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है ट्रू सेगमेंटेशन। सिमेट्री बाइलेटरल है। लोकोमोटरी ऑर्गेन काइटिनस सीटी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक नया लोकोमोटरी ऑर्गेन मिला जिसको बोलते हैं सीटी। ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गेन होता है। दैट आर कनेक्टेड विद द प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल फॉर द पुलिंग इन एंड आउट। एक्चुअली देखिए इनका बॉडी जो होता है वो कई सारे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है। इस तरीके से जो बॉडी होता है तो इनके बॉडी के बॉडी में ऐसे लेटरल साइड में क्या होता है मसल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर दैट मीन्स जो इनके बॉडी को जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्टर जो होता है वो एक्सपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से ही ये लोकोमोट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाते हैं। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। दैट मीन्स थ्री लेयर होगी, एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें देखेंगे LML एंड CML। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर बोथ प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर विच हेल्प इन द लोकोमोशन ऑल्सो। तो जैसे आप पढ़ते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, गट होता है, उसमें दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक जो इसकी पूरी लंबाई में पाई जाती हैं इस तरीके से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो साइज जो है छोटा हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। फिर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
लाइक द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जैसे होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसी तरीके का मूवमेंट इनके बॉडी में होता है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। सीलोम देखेंगे, यानी सीलोमिक कैविटी, फर्स्ट टाइम सीलोम यानी कि यू सीलोम अपियर्ड इन एनिलिडा, जो एक्चुअली इसके पहले आपने फाइलम पढ़ा है एसके हेलमिंथीज। तो बेसिकली देखिएगा, जो पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, ये ए सीलोमेट होते हैं। ए सीलोमेट यानी इनमें सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती है। एसके हेलमिंथीज जो होता है उसमें आपका फॉल्स सीलोमिक कैविटी पाया जाता है। सीडोसीलोम आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सीडोसीलोम पाया जाता है यानी फॉल्स कैविटी होती है। कुछ मेजोडर्मल पाउच होते हैं दैट आर स्कैटर्ड इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उसी को हम सीडोसीलोम बोलते हैं, यानी कि फॉल्स कैविटी होती है। तो एसके हेलमिंथीज में सीडोसीलोम हो गया। फिर एसके हेलमिंथीज के बाद है आपका एनिलिडा, इसमें फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोमिक कैविटी डेवलप होता है, दैट इज यू सीलोम। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम होता है, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, दैट इज प्लान इन द टीएस। तो अगर इनका टीएस हम काट करके देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब दिखाई देता है, दैट मीन्स इनके बॉडी के अंदर एक हॉलो डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट कहने का मतलब होगा माउथ एंड एनस बोथ पाए जाएंगे, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर इनके फूड का डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया एंड यूरिया, रेस्पायरेशन एरोबिक एंड गैसियस एक्सचेंज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस दैट इज स्किन, इसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है वो क्यूटिन की बनी होती है, एक मॉइस्ट लेयर होती है जिसपे कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अडहेयर होता है, हो जाते हैं, जिनको ये आसानी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन देखिएगा, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्चुअली फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनिलिडा में ही डेवलप होता है, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप इन इट। तो सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है वो एनिलिडा में डेवलप होता है, जो कि कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। न्यूरल कंट्रोल देखेंगे, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड टू द लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक्चुअली जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके बॉडी के वेंट्रल हिस्से में लेटरली दोनों किनारे वेंट्रल हिस्से की तरफ जो है नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जो कि लैडर लाइक होता है, सीढ़ी नुमा होता है। और इसके अलावा कुछ गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ साइटॉन इज नोन एज गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ साइटॉन इज नोन एज गैंग्लियन। तो ये इनके कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअली ब्रेन की जगह इनमें गैंग्लिया पाया जाता है, ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके पहले वाले फाइलम में जस्ट आपका नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है, तो अभी इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। सेक्सुअलिटी देखिएगा, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड लीच। सम आर यूनिसेक्सुअल दैट इज डायोसियस, एग्जाम्पल है नेरिस, ये एक्वाटिक होता है, इसमें मेल एंड फीमेल नेरिस अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन देखिएगा,
sexual reproduction and cross external fertilization in bisexual species. Bisexual जो species है उनमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, उसमें भी क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. डेवलपमेंट देखेंगे मोस्टली डायरेक्ट बट रेयरली इनडायरेक्ट, ज्यादातर डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, दैट इज देयर इज नो लार्वल स्टेज, लेकिन कुछ जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं. अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे तो लार्वा जो होगा उसको ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं. एनिलिडा में जो एनिलिडा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके लार्वा को हम क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा. एग्जाम्पल देखिएगा इस फाइलम के, नेरिस है, दैट इज एक्वाटिक एंड कॉमनली कॉल्ड द सैंड वर्म आर क्लैम वर्म आर रैग वर्म. पॉलिनो देखिएगा बायोल्यूमिनेसेंट यानी ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड कॉमनली कॉल्ड द स्केल वर्म. नेक्स्ट देखेंगे फेरिटिमा पोस्टियमा दैट इज द अर्थवर्म एंड हेरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच जोंक जो होती हैं. तो यहाँ पे आपको ये फोटो में आपको नेरिस दिख रहा होगा और ये हेरुडिनेरिया है दैट इज लीच है. कुछ स्पेशल पॉइंट है एनिलिडा के बारे में, इनको देख लीजिएगा. पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ नेरिस एंड पैरापोडिया आर फ्लैसी विथ सीटी. यहाँ पे देखिएगा ये नेरिस में जो आउटग्रोथ निकली हुई है साइड में ये पैरापोडिया कहलाता है. ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. बोट्राइडल टिश्यू सॉलिड मेसोडर्मल टिश्यू फिल्ड इन द सीलोम ऑफ लीच. लीच का जो सीलोमिक कैविटी होता है उसके अंदर एक टिश्यू फिल्ड होता है उसको हम बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं. क्लोरेगोगन सेल अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है. एनालॉगस टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट पॉइजनस सब्सटेंसेस को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है. ब्लड रेड विदाउट आरबीसी बिकॉज हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. जो अर्थवर्म होता है इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, एनिलिडा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं इनमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, बट अर्थवर्म का जो कलर होता है वो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. क्यों? क्योंकि इसमें इसके ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है डिजॉल्व स्टेट में और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है जिसका कलर ब्राइट रेड होता है. तो दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड कलर ऑफ एनिलिड्स इज रेड. अगला देखेंगे साइजोसीलोसिलिक एंटेरोसीलोम. देखिए आपको बताया गया था कि जो है सीलोमिक कैविटी दो तरह की होती है, एक साइजोसीलोम कहलाता है दूसरा कहलाता है एंटेरोसीलोम. तो ये साइजोसीलिक होते हैं, यूसीलोमेट होते हैं यानी ट्रूसीलोमिक कैविटी होती है. जो कैविटी होती है वो क्या कहलाता है, साइजोसील. क्या कहलाएगा, साइजोसील. फर्स्ट टाइम ट्रूसीलोम अपीयर्स इन एनिलिड्स
तो पहली बार जो है ट्रायसिलोमी कैविटी किसमें डेवलप हुई? एनिलिडा ग्रुप में। क्लासिफिकेशन देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीटी एंड सेंसरी ऑर्गेन एनिलिडा को जो है तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरुडिनिया। क्लास पॉलीचीटा में देखेंगे मेनी सीटी इन ईच सेगमेंट एंड सीटी आर एम्बेडेड इन द पैरापोडिया। उसमें कई सारे सीटी होते हैं यानी लोकोमोटरी ऑर्गेन होते हैं, लेकिन ये जो इनमें पैरापोडिया होता है उसी के अंदर धसे हुए पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेरिस, ऊपर आपने फोटो में देखा हुआ था, दूसरा है आपका ओलिगोचीटा, सीटी फ्यू एंड नो पैरापोडिया, इसमें कुछ सीटी पाई जाती है पैरापोडिया नहीं होता है, एग्जाम्पल फेरिटिमा पोस्टिमा यानी अर्थवर्म। नेक्स्ट है हिरुडिनिया, सीटी एंड पैरापोडिया एबसेंट, सीलोम इज रिड्यूस्ड इन द एडल्ट बिकॉज द बोट्राइडल टिश्यू फिल्ड इन सीलोम एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स दैट इज 26 to 33 सेगमेंट्स जो है पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है लीच जोंक। नेक्स्ट आपका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, आर्थो, आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडिया दैट मीन्स लेग और अपेंडेजेज बोलते हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो अपेंडेजेज कहलाते हैं। तो जॉइंटेड लेग या अपेंडेजेज जिनमें पाए जाएंगे वो फाइलम कहलाता है आर्थोपोडा। अंडरलाइन करिएगा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थोपोडा है। और अगर उसमें भी पूछा जाए तो फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास में इंसेक्टा जो है यह लार्जेस्ट क्लास है जिसमें इंसेक्ट आते हैं। तो देखिएगा, बिकॉज 80% दैट इज 2/3 एनिमल स्पीसीज बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा, इस प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें से 80% जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट देखिएगा कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन द लैंड वाटर एयर एंड फ्रॉम स्नोवी टॉप्स ऑफ हाई माउंटेन्स टू द ओशन, लगभग ये सभी जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। फ्री लिविंग एंड पैरासाइट दोनों तरह के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासाइट में भी ये एक्टो पैरासाइट का काम करते हैं। बोथ विथ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आल्सो, नेक्स्ट देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू हेड थोरैक्स एब्डोमेन और सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन विद द जॉइंट अपेंडेजेज। तो इनका जो बॉडी होता है वो सेगमेंटेड होता है, बॉडी जो है वो हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में या फिर सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें
हेड और थोरैक्स दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं एक साथ, तो हेड के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिफेलॉन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, जिसमें जो हेड है और थोरैक्स है ये डिस्टिंग्विश नहीं होता है, दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं फ्यूज कर जाते हैं। सिमेट्री बाइलेटरल, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, आउटर लेयर इज काइटेनस क्यूटिकल एज एक्सोस्केलेटन, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटेनस क्यूटिकल का बना हुआ है, दैट मीन्स काइटिन का बना हुआ होता है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो आउटर कोटिंग होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। सीलोम, यू सीलोमेट बट इन द एडल्ट फॉर्म ऑफ सम आर्थ्रोपोड्स इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द हीमोसील एंड रिस्ट्रिक्ट अराउंड द गोनाइट्स। ये यू सीलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, लेकिन कुछ एडल्ट फॉर्म होते हैं जिनमें ये सीलोमिक कैविटी रिड्यूस्ड हो जाती है और उसकी जगह एक हीमोसील आ जाता है, कैविटी आ जाता है जो अराउंड द गोनाइट से ही पाया जाता है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल का होता है। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी सेल के बाहर होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, दैट मीन्स बोथ ओपनिंग प्रेजेंट होगी, माउथ एंड एनस। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन देखिएगा, मेलपिगियन टिब्यूल्स एंड ग्रीन और कॉक्जल ग्लैंड वाइल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इज यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो बेसिकली मेलपिगियन टिब्यूल होता है या कॉक्जल ग्लैंड होता है। मेलपिगियन टिब्यूल जैसे कि पाया जाता है किसमें, आपका कॉकरोच में, ग्रीन या कॉक्जल ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड जो होता है वो प्रॉन में पाया जाता है, झींगे में। तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस होता है दैट इज यूरिक एसिड होता है टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में, यानी जो जमीन पर पाए जाते हैं, ऐसे आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिक एसिड, एंड अमोनिया पाया जाता है एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में। रेस्पायरेशन देखिएगा, एरोबिक एंड रेस्पायरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, ट्रैकिया, बुकलंग्स। गिल्स जो होगा एक्वाटिक फॉर्म जो होगा यानी प्रॉन, झींगा, ट्रैकिया जो हो गया ये कॉकरोच हो गया, बुकलंग्स जो हो गया ये स्कॉर्पियन में पाया जाता है। बुकलंग्स जो होगा वो स्कॉर्पियन में पाया जाएगा। तो ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज के, फॉर एग्जांपल गिल्स प्रेजेंट इन द प्रॉन, ट्रैकिया प्रेजेंट इन द कॉकरोच, या ट्रैकियल टिब्यूल्स बोलते हैं, एंड बुकलंग्स प्रेजेंट इन द स्कॉर्पियन। बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स ब्लड आर पम्प्ड इनटू द ब्लड साइनसेस, यानी स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं के अंदर ब्लड को पंप कर दिया जाता है। दे आर नो ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है।
सेंसरी ऑर्गन देखिएगा, कंपाउंड एंड सिंपल आई फॉर द फोटो रिसेप्टर, लाइट स्टिमुलस रिसीव करने के लिए इनके पास कंपाउंड आई बेसिकली पाए जाते हैं। कंपाउंड आई जो होता है वो कई कई सारे यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है कंपाउंड आई, और हर एक यूनिट जो है ये ओमेटीडिया कहलाता है, ओमेटीडिया कहलाता है। एंटीनी देखेंगे, ऑल्फैक्ट्री एंड टैंगो रिसेप्टर होते हैं, यानी स्मेल को और प्रेशर को रिसीव करते हैं। टैंगो रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसीव्स प्रेशर सेंसेशन, ये लाइट प्रेशर स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है टैंगो रिसेप्टर। और ऑल्फैक्ट्री आप सभी लोग जानते ही हैं कि ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट स्टेटोसिस्ट, ये भी सेंसरी ऑर्गन है, फॉर द बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करता है। सेक्सुअलिटी देखिएगा, यूनिसेक्सुअल विद द क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये यूनिसेक्सुअल मेंबर होते हैं विद क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब आप बाहर से देख करके बता सकते हैं या मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन देखिएगा, सेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक तो सेक्सुअल होता है यानी मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बट इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेकिन इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि ये एग ले करते हैं, फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करके उसको रिलीज कर देते हैं, और उसी एग से हैचिंग होती है और एंग वन का फॉर्मेशन होता है, तो इनका जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर होगा। नेक्स्ट इज ओवीपैरस होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, ज्यादातर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं, ओवो का मतलब होता है एग, एग लेइंग। एंड वीवीपैरस में एग्जांपल हो जाएगा आपका स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है ये बच्चे को जन्म देता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा दैट इज लार्वल स्टेज एब्सेंट होगा, एंड इनडायरेक्ट होगा दैट मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लार्वा क्या कौन कौन से हैं, निम्फ, निम्फ जो लार्वा है ये कॉकरोच का लार्वा होता है, मैगट हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, एंड कैटरपिलर बटरफ्लाई एंड मॉथ का लार्वा होता है। दैट इज द लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, झींगा। कई सारे लोग टर्म यूज करते हैं झींगा मछली, नॉट, झींगा मछली नहीं है, ये इंसेक्ट है, एक्वाटिक इंसेक्ट है, इडिबल है, यानी खाया जा सकता है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स, देखिए कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, एक्चुअली कई सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं, बट सम इंसेक्ट्स हैं जिनसे हमको फायदा भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एपिस, या इसका नाम होता है